नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपनी शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान ना करे फिर हम बीमार भी पड़ सकते हैं, और तब बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी चिकित्सा कराएं और उचित औषधि भी लें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बतौर कंज्यूमर जब आप केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं दवाई खरीदने, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम फोकस कर रहे हैं, फार्मेसी और कंज्यूमर एजुकेशन। इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है? ड्रग कंट्रोलर की बात करें तो चाहे केंद्र में या राज्यों में उनकी भूमिका कितनी अहम है, आइए चर्चा करते हैं। मेरे साथ तीन खास पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराऊं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर अनंत नारायण का, स्वागत है आपका। आप ट्रस्टी हैं दिल्ली फार्मास्यूटिकल ट्रस्ट के। राजीव गुलाठी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार राजीव जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप एक फार्मासिस्ट हैं और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ बिजॉन मिश्रा जी हैं। नमस्कार। आप एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और शायद 1800-180-8080 ये नंबर आपके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये जन औषधि से जुड़ा है। साथ ही युवा ऑडियंस हमारे साथ है, जो कि डिप्सार में और जामिया के हमदर्द जामिया मिले में पढ़ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो बी फार्मा और एम फार्मा कोर्सेज से जुड़े हैं। और भी महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे साथ हैं, खासतौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा फॉर्मर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रेम गुप्ता का, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं युवा ऑडियंस के पास आऊँगा, आप बताइए कि कंज्यूमर जब बाजार में दवाई खरीदने जाए तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या याद रख के दवाई खरीदे? कि उसको हमारी जो हमारी दवाइयों की एक्सपायरी उसको नोट होनी चाहिए, प्लस वो जो हमारा दवाइयाँ ले रहा है उसके बारे में उसको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि अगर उसने कोई डोज मिस कर दी तो उसको वो डोज कब लेनी चाहिए, या उसके रिलेटेड कब उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और किससे बात करनी चाहिए। जी, डूज एंड डोंट्स फॉर अ कस्टमर हु गोज आउट टू अ केमिस्ट शॉप। मेनली उससे क्या रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो सडनली वो कहाँ कॉन्टैक्ट करें, कोई हेल्पलाइन नंबर जहाँ से वो हेल्प ले सके। ओके जी, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ अनंत नारायण जी, अगर ड्रग रिएक्ट कर जाए तो कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे कंज्यूमर संपर्क कर सकता है? PVPI करके सरकार ने स्थापना की है, 1800 जी और 180 और 1034, इस नंबर पे आप अपनी जो भी साइड इफेक्ट्स हुआ, आपको तकलीफ हुई, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बारे में वो लोग जाँच करके डिसाइड करेंगे वो सिर्फ दवाई के वजह से हुआ या और कोई अन्य कारण है। ये सारा डाटा इकट्ठा कर रही है स्वास्थ्य मंत्रालय। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से नंबर नोट कर लें, ये है PVPI हेल्पलाइन। PVPI का मतलब है फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, और नंबर है 1800-180-3024। तो बहुत अच्छा आपने बताया, मैं इस तरफ आना चाहूंगा, कंज्यूमर के लिए और डूज एंड डोंट्स क्या हैं आपके अनुभव के आधार पर? सबसे पहले तो एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। एक दिन में कितनी बार लेनी है वो डोज आपको चेक करनी चाहिए। फिर अगर दवाई एक्सपायर हो गई तो उसके बाद हम दवाइयों के साथ क्या कर सकते हैं, वो भी एक अहम चीज है जो कि नोट करनी चाहिए हमें। बिल्कुल राजीव जी, आप बता रहे थे कि इनोवेशंस भी हुई हैं ड्रग्स में, कि कितनी डोसेज में हम लें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है दवाइयों में वो है कंप्लायंस। अगर दवा पूरी ली जाए, समय से ली जाए, तभी उसका असर होता है। और जो क्रॉनिक एलिमेंट्स है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, उसमें दवा रोज लेनी पड़ती है। तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, इनोवेशन करके जो दवा दिन में दो या तीन बार भी लेनी हो, अच्छा, उसको सस्टेन रिलीज बना के उसको एक बार कर देते हैं ताकि कंप्लायंस पूरी हो सके और उस दवा का पूरा फायदा जो है वो पेशेंट को। तो यानी अगर दवा के ऊपर SR लिखा है, सस्टेन रिलीज, या ER एक्सटेंडेड रिलीज, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, सस्टेन रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, टेक्नोलॉजी अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है रिलीज को एक्सटेंड करती है, जो ड्यूरेशन को एक्सटेंड करती है, दवा जो है फ्रीक्वेंसी कम करती है ताकि कंप्लायंस में जो है वो फायदा हो। लेकिन एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा, अगर दवा कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज है, अच्छा, उस गोली को कभी तोड़कर खाना नहीं चाहिए। अच्छा, उसको आप कभी दो टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टेबलेट पूरी इस तरह से बनी है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे दवाई को रिलीज करती है। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई ऐसी चीज लिखी हो तो उसे कभी ना तोड़ें और उसे पूरी दवा ही लें। बिल्कुल बिजोन जी, इस बात पे आप ही स्ट्रेस करना चाहेंगे कि दवा को कई बार हम सोचते हैं जी 100 mg है, मुझे 50 mg चाहिए, चलो मैं तोड़ के खा लूं। बिल्कुल, एक्चुअली आपको वही करना चाहिए जो आपको डॉक्टर ने सलाह दिया है। और जब आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो फार्मासिस्ट का भी फर्ज बनता है पेशेंट्स को बताने के लिए कि इन टर्म्स ऑफ कैसे उनका डोसेज लिया जाए, किस ढंग से लिया जाए। और जो हम आपके दर्शकों को कहना चाहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी दवाई सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए।
ओके बराबर आप प्रेस्क्रिप्शन जरूर लीजिए और जो भी डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर रहे हो उनके साथ संपर्क बना के रखिए बिल्कुल क्योंकि कभी भी कुछ भी जैसे आपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात की एडवर्स ड्रग रिएक्शन भले आप वो टोल फ्री नंबर पे फोन कर दिए हैं लेकिन वो टोल फ्री नंबर 24 घंटा नहीं चलता है अच्छा। तो आपको एटलीस्ट आपके डॉक्टर्स को रिपोर्ट जरूर करना चाहिए और नियरेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जरूर जाना चाहिए यदि कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ तो आपको या तो नियरेस्ट अस्पताल या नियरेस्ट मेडिकल डॉक्टर यू नो जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उनके पास जाकर आपको जरूर सलाह लेना चाहिए कि ऐसा रिएक्शन हुआ तो अब क्योंकि हो सकता है कि आपका जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया आपको वो नजदीक में नहीं रह रहे हैं जी तो यू हैव टू गो टू द नियरेस्ट बिल्कुल और एक महत्वपूर्ण रीजन जो राजीव जी आप बता रहे थे कि क्यों मैं बतौर कंज्यूमर और खासतौर पर जब मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट करूँ उस नंबर पर क्योंकि इससे हमें पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प मिलेगी पॉलिसी मेकिंग में बिल्कुल हेल्प मिलेगी मैं आपको जो दूसरी बात बता रहा था कि जब क्लिनिकल ट्रायल्स की जाती है जब दवा पहली बार बाजार में लाई जाती है तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स पे होती है कुछ हजार पेशेंट्स पे है लेकिन बाजार में आने के लाखों पे हैं तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो उस समय ना पता चले तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर साइड इफेक्ट जो है उसको रिपोर्ट किया जाए और जब मैं कह रहा हूँ हर साइड इफेक्ट का मतलब है हर साइड इफेक्ट मान लीजिए कोई आदमी फिसल के गिर गया आप सोचेंगे कि ये साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन उसको भी रिपोर्ट करना है मान लो एंटीहिस्टामिनिक एलर्जी की दवाई है मान लो आप उससे ड्राउजी हो गए और उसकी वजह से आप फिसल गए आपको नहीं पता है तो दवा के बाद जो भी हुआ वो इम्पोर्टेंट हो सिवियर हो या नहीं हो उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी बिल्कुल, है क्योंकि डाटा गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल ये डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन क्योंकि बिजॉन जी ने कहा था कि फार्मासिस्ट से भी आप जरूर कंसल्ट करें हमारे साथ सुनील जी हैं जो कि रिटेल फार्मेसी चलाते हैं सर सबसे पहले तो बताइए हम कहते हैं हम केमिस्ट की शॉप पे गए तो केमिस्ट की शॉप और रिटेल फार्मेसी ये फर्क है क्या ये देखिए एज ए लेमैन तो एक ही चीज है ये पर अब थोड़ी डेफिनेशन अच्छी होगी और डिफाइन कर दिया गया कि रिटेल फार्मेसी और केमिस्ट मींस कि प्रिस्क्रिप्शन जो दवाई को सेलर ऑफ द मेडिसिन है केमिस्ट मींस दवाई बेचते हैं और फार्मेसी मींस जो दवाई डिस्पेंस करते हैं आपको पूरी जानकारी देते हैं कि दवा कैसे लेनी है इस दवा के साथ क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये फार्मासिस्ट बताता है ये उसका ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन और वो आपको ये भी बताएगा कि इस दवा के साथ क्या परहेज रखनी है जी जैसे हम देखते हैं कि आजकल इकोस्प्रिन बहुत कॉमन मेडिसिन है एंटेरी कोटेड होती है जी या डुलकोलेक्स टैबलेट हम कॉन्स्टिपेशन के लिए लेते हैं जी उसमें क्या रहता है एंटेरी कोटिंग रहती है जी इसको कभी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए अच्छा मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि उससे जो GI ट्रैक है हमारा स्टोमिक है उसमें उसका pH एल्कलाइन हो जाने से वो दवा जो कि इंटेस्टाइन में रिलीज होनी थी वो स्टोमिक में पेट में रिलीज हो जाएगी और उससे इरिटेशन होगी बिल्कुल तो ये सब जवा चीजें जो है ये फार्मासिस्ट आपको अच्छी गाइड कर सकते तो डॉक्टर अनंत नारायण ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भाई दवा सुबह लेनी है शाम को लेनी है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कभी कहता है लूकवॉर्म वाटर के साथ पानी के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी बताइए कि हम अगर किसी केमिस्ट शॉप पे जाएं हमें कैसे पता चले कि ये सही दुकान है कैसे मैं कंज्यूमर होने के नाते जानूं कि ये सही फार्मेसी शॉप है पहले ही जैसे आप दुकान पे या फार्मेसी में घुसते हैं उसके दीवार पे नज़र मारिए वहाँ दो पोस्टर्स या फ्रेम छपा होगा एक उस दुकान की लाइसेंस वहाँ डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है और दूसरा उसके बगल में वहाँ कौन फार्मासिस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी अच्छा। फोटोग्राफ लगा होगा अच्छा। ये दोनों आप देखेंगे तो आप खातरी कर सकते हैं कि ये सही दुकान में आया हूँ और यहाँ पर्ची लेके मैं दवाई खरीदूंगा तो मुझे कोई नकली दवा मिलेगा नहीं सही दवाई मिलेगी और यहाँ पे एक फार्मासिस्ट है जिससे मैं मेरी शंकाएं जो भी होगी पूरा करके फिर दवाई लेके जाऊंगा जी बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर प्रेम गुप्ता यहाँ पर बैठे हैं सर थैंक यू वेरी मच आप फॉर्मर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हैं 1986 से 1992 आप ड्रग कंट्रोलर थे थोड़ा बताइए सर हम सुनते हैं कि हेल्थ जो है वो राज्य का विषय है और फिर ड्रग कंट्रोलर जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो अगर दवाओं की बात करें इसमें केंद्र और राज्य की क्या भूमिका रहती है ऐसा है जी कि वी हैव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 and drugs and cosmetics rules 1945 they were made prior to independence to uske तहत mein dono function state ke bhi aur ye center ke bhi defined hai being a health being in the concurrent list both can legislate both can enforce okay
तो इसलिए ये एक दो लेजिस्लेशन है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, लेकिन पावर स्टेट को दी गई हैं, वो भी कर सकते हैं अपनी, तो इसलिए स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स आर रिस्पॉन्सिबल लाइसेंसिंग एंड लाइसेंसिंग ऑफ सेल एंड मैन्युफैक्चर विद इन देयर स्टेट, तो वो सब उनका रोल है. सेंटर का रोल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है. एक तो है कि अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, अच्छा, दैट इज टेकन केयर बाय सेंटर, क्लिनिकल ट्रायल्स एटसेट्रा एटसेट्रा. दूसरा है क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स, दैट इज चेक्ड एट द पोर्ट्स. ओके, नो ड्रग कैन कम विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. नंबर तीन है लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स. वी हैव नाउ ए इंडिपेंडेंट कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, तो वो इट हैज टू बी अपडेटेड. तो बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स इंडियन फार्माकोपिया, दैट इज ऑल्सो रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, नंबर फोर ये है ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट ड्रग कंट्रोलर, बिकॉज द एक्ट इज सेंट्रल and okay. they are enforcing. Okay. So we make sure that there is a uniform enforcement of act and okay. rules within okay. the whole country. Bilkul theek hai ji, bilkul. Lekin main aapse jaanna chahunga, and another thing, the amendments, yes, the rules amendment, act amendment is also done by the center. Central government, right. Main aapse jaanna chahunga, kyunki aap M Pharma ke student hain, thoda bataiye, bazaar mein aap maan lijiye dawa lene gaye, aap kaise janenge ki wo nakli dawa nahi hai? Sir, sabse pehle sir, uski active ingredient. ओके, एक्टिव इंग्रेडिएंट, डेट ऑफ उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी और सब, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम से. तो आप जब जाती हैं दवा लेने, आप सजग रहते हैं, चीज़ें चेक करते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये सब चीज़ें चेक, लेकिन हम लोग इस बात पे विश्वास रखते हैं कि जो फार्मासिस्ट है उसने हमें सही दवाई दी होगी. काफ़ी टाइम हम इस तरह की चीज़ों पे भी विश्वास रखते हैं कि देने वाले ने सही दवाई ही दी होगी. जी लेकिन बिल्कुल विश्वास करना चाहिए फार्मासिस्ट पे, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर कि दवा कितनी काउंटरफीट हो सकती है, नकली हो सकती है, इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र सरकार ने 2014 में एक सर्वे भी किया जिसके नतीजे फिर 2016 में आए. मैं आपसे जानना चाहूँगा नरेश शर्मा जी, आप तो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष हैं, थोड़ा बताइए सर्वे ने क्या कहा, कितनी नकली दवाएं निकली? देखिए, सबसे पहले जो हमारे देश में सर्वे हुआ था वो 2007 में WHO, सीएर फार्म और DPT दोनों ने कोलैबोरेशन करके किया. उसको लीड लेते हुए समय समय पर हमारे देश में कई बार सर्वे हुए हैं. 2008 से 2010 का सर्वे, उसका रिपोर्ट भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है. और अभी हाल फिलहाल 2014 और 2016 के दौरान में बहुत बड़े स्तर पे एक सर्वे हुआ है, जो कि पूरे विश्व में पहली बार इतने बड़े स्तर पे सर्वे हुआ, जिसमें 47,012 सैंपल टेस्ट किए गए और जिनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स 100% गवर्नमेंट लेबोरेटरी में टेस्ट की गई. अच्छा, उसके नतीजे जो तीन कैटेगरी में फाइनल लिस्ट में आए हैं कि जो स्पूरियस ड्रग, सपोज मेरा प्रोडक्ट किसी दूसरे ने बना दिया, मात्र 0.0245% आया है. अच्छा, और दूसरा जैसा कि कहते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे पैरामीटर में प्रोडक्ट पास नहीं हुआ, मतलब वो प्रोडक्ट गुणवत्ता को पास नहीं करता है, उस तरह के मात्र 3.26% रिजल्ट आए जी. तो यदि हम नटशेल में बात करें तो जितनी भी हमारे पूरे देश में दवाइयां उपलब्ध हैं, सबसे पहले पूरी जनता को पूर्णतः विश्वास होना चाहिए कि जो भी वो दवाई ले रहे हैं वो अच्छी दवाई ले रहे हैं, और इस दवाई को लेने से वो 100% अपनी बीमारी से दूर हो जाएंगे. बिल्कुल, बहुत हमारे साथ आशीष दास गुप्ता जी ऑडियंस में मौजूद हैं, आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं दिल्ली फार्मास्यूटिकल ट्रस्ट के. सर, हमें विश्वास तो है फार्मेसी के सभी स्टेक होल्डर्स पर ये बताइए कि कंज्यूमर कहते हैं इज द किंग एंड द क्वीन, और भारत एक इवॉल्व कर रहा है अब एक, और सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल की बात नहीं है, क्वालिटी अश्योरेंस की बात है कि जो उपभोक्ता चाहता है वो अश्योरेंस उसे मिले, तो दवाइयों की क्वालिटी को लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्वालिटी कहाँ से स्टार्ट होती है. क्वालिटी स्टार्ट होती है जहाँ से दवाई बनना शुरू होती है. और आजकल इतने फार्मास्यूटिकल हमारी जो इंडस्ट्री की जो रेगुलेशंस है, ये एविएशन इंडस्ट्री के जैसे ही इतने टाइट रेगुलेशंस होते हैं जिसमें कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यस, तो हम जो इसकी जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब तक पेशेंट तक नहीं पहुंचती, हम इसकी क्वालिटी का पूरी मॉनिटरिंग करते हैं. और क्या क्वालिटी का कुछ लेबल फिर होता है दवाइयों पर कि मैं जान सकूं? यस, इसमें बहुत कुछ होता है. इसमें आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स के
कौन सी फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, कौन सी स्टैंडर्ड्स के साथ लिखी हुई होती है, क्या कंप्लायंस है, आईपी है तो इंडियन फार्माकोपिया होगा, ब्रिटिश फार्माकोपिया होगा तो बीपी होगा, यूएस का होगा तो यूएसपी लिखा होगा, तो ये सब स्टैंडर्ड्स हमें लेबल में डिस्क्लोज करना पड़ता है। लेकिन राजीव जी, एक आम व्यूअर सोच रहा होगा कि भाई मैं पहले से बीमार, मेरे को दवा लेनी है, मैं ये सब काम करूं, क्या ये मेरा काम है? तो क्या ये सब कंज्यूमर का काम है कि वो लेबल चेक करे, एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ ये चेक करे, वो फार्मेसी रजिस्टर्ड है कि नहीं है चेक करे, ये वाकई कंज्यूमर का काम नहीं है? ये कंज्यूमर का काम नहीं है, लेकिन कंज्यूमर का एक काम जरूरी है, वो मैं कहूंगा जरूर करना चाहिए। आप जब दवा खरीदें तो उसकी रसीद अवश्य लें। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लिफाफे पे लिख के दे दिया और हम उठा के चले, उसकी एक वजह है कि अगर आप रसीद लेंगे तो फार्मासिस्ट उसमें बैच नंबर और एक्सपायरी डेट उसमें लिखना पड़ेगा, तो वो जरूर चेक, वो जरूर वो चेक करके उसकी रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है फार्मासिस्ट की जब वो लिख के। अच्छा, हर रसीद पे फार्मासिस्ट के सिग्नेचर जरूरी है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उस दुकान पे है, जब वो बैच नंबर लिख रहा है, एक्सपायरी लिख रहा है और साइन कर रहा है, तो उसकी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है, और वो एक्सपायर्ड दवा तब नहीं देगा, और हर बैच जो है मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक उसकी पूरी ट्रैकिंग हो सकती है। तो ये मैं जरूर कंज्यूमर का कहूंगा, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और फार्मासिस्ट की है, और शर्मा जी ने बता ही दिया कि तीनों मिलके सेवा तो कर ही रहे हैं पेशेंट्स की। बिल्कुल, देखिए हम सभी का लक्ष्य एक है कि हम जल्दी हमें स्वास्थ्य लाभ मिले, हम सेहतमंद हो जाएं, लेकिन टीचर्स की बड़ी अहम भूमिका है। सर, आप तो फार्मास्यूटिक्स पढ़ाते हैं, ये दिखने में बड़ी छोटी सी टेबलेट लगती है लेकिन बनाने में क्या बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है? या ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, दवाई देखने में बहुत छोटी सी है, बस इसके पीछे बहुत सारा हमारा दिमाग, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसीजर, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। मैं पैनल से एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा, हम दवाइयाँ स्टोर करते हैं, दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो जाती हैं कई बार, तो क्या एक्सपायरी के बाद भी दवाई खा सकते हैं? इसके लिए आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। जी डॉक्टर, कतई नहीं, एक्सपायरी के बाद किसी को भी वो दवाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो दवाई का तत्व है वो उसकी घटक जो है कम हो गई होगी और टॉक्सिक भी हो सकता है, वो दुष्परिणाम भी दे सकते हैं। और ऐसे एक्सपायर्ड ड्रग्स को कभी बेचना भी नहीं चाहिए, ये कानून में भी लिखा हुआ है। फार्मासिस्ट जो है हर महीने अपनी दुकान में सर्वे करके जितनी एक्सपायर होने वाली होती है उसको अलग डब्बे में डाल के पीछे नॉट फॉर सेल बोर्ड लगा के रखा जाता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए थोड़ा और बताइए डॉक्टर प्रेम गुप्ता, कि जो दवा है उसकी स्टोरेज को लेकर मैं किन बातों का ध्यान रखूं, कि क्या कुछ फ्रिज में रखना है, किसी टेम्परेचर पर मेंटेन करना है? यस, हमारे एक्ट के अंडर स्टोरेज कंडीशंस आर आल्सो डिफाइंड, तो उसके हिसाब से कंज्यूमर को भी देखना चाहिए कि ये अगर उसने फ्रिज में निकाली है, फ्रिज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो कोई वैक्सीन ऐसी होती हैं जो फ्रीज नहीं कर सकते, वो भी लिखा रहता है कि नॉट टू फ्रीज, तो वो टेम्परेचर भी स्टोरेज की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मासिस्ट की टू कीप इट इन प्रॉपर स्टोरेज, एंड कंज्यूमर देख सकता है कि सही स्टोरेज है कि नहीं। जी तो बिजोन जी, बड़ा ज़रूरी है, मान लीजिए मैंने इंसुलिन खरीदनी है तो मैं देखूं कि जो फार्मेसी में है, फार्मासिस्ट है, वो फ्रिज है कि नहीं है, और उसके बाद मैं इंसुलिन लेके मैं स्कूटर की डिक्की या कार की डिक्की में भी ना रखूं। ना, बिल्कुल सही, और आपको ये कोल्ड चेन कहीं पर भी यू नो कॉम्प्रोमाइज ना करें, यू नो इसका जरूर देखना चाहिए, क्या आपके पास साधन है, क्या आपके पास उपाय है उसको ले जाने के लिए। और अगेन यू नो फार्मासिस्ट का काम भी है कि आपको कोल्ड बैग में उसको पैक करके दे, यू नो सो दैट उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे आप यदि घर तक पहुंचने तक, you know? तो ये सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखना चाहिए, क्योंकि एक जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। बिल्कुल, जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। पर इसी बात को मैं राजीव जी थोड़ा और आगे ले जाऊंगा, दवाइयां कई बार हम स्नान घर में रख देते हैं, कई बार मेडिसिन हम किचन में रख देते हैं, ये लाजमी है, कहाँ रखें? देखिए, दवा के ऊपर लिखा रहता है कि स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं। रेफ्रिजरेटर जो कोल्ड चेन की बात की, वो 2 से 8 डिग्री है। जो दवा रूम टेम्परेचर वाली है, इंडिया WHO के हिसाब से Zone 4 में आता है। इसके मायने ये हैं कि वो दवा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे टेस्ट की गई है, कि जो उसकी शेल्फ लाइफ लगाई गई है। मान लीजिए 24 महीने दिया गया है, 2 साल दिया गया है, तो 2 साल दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। आप स्नान घर में रखेंगे तो
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% की जगह 100% हो जाएगी, क्योंकि तो मॉइस्चर ही मॉइस्चर है। और अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो आप जानते हैं कि 40 तो शेड में टेम्परेचर होता है, धूप में तो 70 भी हो जाता है, तो उसकी पोटेंसी तो खराब होगी ही। तो इसलिए जो लिखा है स्टोर इन ए कूल ड्राई प्लेस, जो लिखा है रूम टेम्परेचर, उसका मतलब है कि उसको आप 30 डिग्री से कम होना चाहिए। बिल्कुल। और जो कोल्ड चेन की बात आपने छेड़ी, उसमें यह है कि ये लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। अच्छा। किसी भी केमिस्ट को या फार्मेसिस्ट को लाइसेंस नहीं मिल सकता अगर उसके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है। और अगर मिल गया तो क्या ड्रग कंट्रोलर उसको रद्द कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर किसी ने कंप्लेंट की और पता लगा कि कोल्ड चेन कहीं इफेक्ट हुई है और या फार्मेसिस्ट का दोष है या ट्रांसपोर्ट में भी होता है, तो उसके मैन्युफैक्चरर पर भी एक्शन लिया जाता है। तो कंप्लेंट कहाँ करें, केंद्र में, राज्य में, अलग नंबर है कोई? मेन चीज तो राज्य में ही होती है। अच्छा। हर एक राज्य में ड्रग कंट्रोलर है, तो उसका भी नंबर, दिल्ली ड्रग कंट्रोलर है यहाँ पर, वो भी उसको कंप्लेंट कर सकती हैं। तो सेंटर का जो रोल है वो डे टू डे मॉनिटर करना नहीं है इसका, सेल का और मैन्युफैक्चर का, वो सब स्टेट का रोल है। जी बिल्कुल। और स्टोरेज का बात कर रहे थे, स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे देश में इतनी ज़्यादा वेरिएशन होती है टेम्परेचर की, तो लिखा रहता है कि बिलो 20 रखना है, बिलो 25 है, तो हो सकता है एयर कंडीशन रूम में रखना पड़े, लेकिन यहाँ सर्दियों में तो 40 डिग्रीज भी हो जाती है गर्मियों में। अगर मैं एयर फ्लाइट ले रहा हूँ, एरोप्लेन पर जा रहा हूँ, वहाँ पर फिर अगर ज़रूरत पड़ जाए दवाओं की, तो वो तो ठीक है ना, एक घंटे दो घंटे की फ्लाइट है तो आप जेब में रखेंगे तो टेम्परेचर ठीक है। तो मतलब है जो इंसुलिन है जैसे या और है, तो वो तो सही टेम्परेचर पे होनी चाहिए। बिल्कुल। और खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा है जैसे मान लीजिए टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है और वो 8-9 घंटे स्कूल में बिताता है, तो बहुत जरूरी है कि स्कूल प्रशासन इस बात को लेकर संवेदनशील हो कि स्कूल में फ्रिज की व्यवस्था हो, ताकि अगर कहीं उस बच्चे को इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ी तो वो इंसुलिन ठीक हो। और ये दवाई मेरे हाथ में और मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, जो टेम्परेचर की बात हुई इसमें लिखा है बाकायदा, स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब मैं अगला एक और विषय आऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये है जेनेरिक मेडिसिन, जन औषधि का। आप बताइए, जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, क्या आप डॉक्टर से आग्रह करते हैं कि मुझे आप जेनेरिक मेडिसिन भी जरूर लिख के दें? और जेनेरिक मेडिसिन से आप क्या समझते हैं? दो तरीके की दवाइयाँ होती हैं बाजार में, एक जेनेरिक और एक ब्रांडेड। तो जेनेरिक वो मेडिसिन होती हैं जो कि हमको कम दाम पे मिल जाती है ब्रांडेड से। तो जो पेशेंट जिनकी पुअर कंडीशन है, जो कि इतने इकोनॉमिकल हाई नहीं है, वो लोग जेनेरिक दवाइयों को प्रेफर करते हैं डॉक्टर से। जी, आप मैडम जन औषधि से कैसे और जुड़े हम सभी? हमें डॉक्टर से और पूछना चाहिए कि वो भी हमें जेनेरिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब करें ताकि अफोर्ड कर सके ज्यादा से ज्यादा लोग। जी, और जन औषधि का प्राय बन चुके हैं बिजॉन मिश्रा सर, किन बातों का ध्यान रखें? और वो जो हेल्पलाइन है 1800-180-8080, ये क्यों आपके दिल के करीब है? क्योंकि देखिए, जब तक आप संपर्क नहीं बनाएंगे आप लोगों को शिक्षा नहीं पहुंचा सकते। जी, अवेयरनेस, एजुकेशन, जैसे आपका प्रोग्राम हुआ, हम तो आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस ढंग के प्रोग्राम जैसे गुड इवनिंग इंडिया में आप लाए, इसी एक एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का। जी, और हम समझते हैं कि ये जेनेरिक मेडिसिन जो आपने सुने होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार ये कह रहे हैं कि जेनेरिक मेडिसिन हर मेडिकल प्रैक्टिशनर का अनिवार्य होना चाहिए कि वो लिखे प्रिस्क्रिप्शन में, ये बहुत जरूरी है। जी, तो उपभोक्ताओं को भी, पेशेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हम जब कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो यदि दवाई लिख भी रहे हैं तो उनको जरा याद दिला दिया जाए कि सर, डॉक्टर साहब, आप जरा जेनेरिक नाम भी लिख दीजिए इसमें। जी, तो अगर कोई नहीं लिखता तो मैं 1800-180-8080 पे फोन करूं? आप फोन नहीं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप किसी का नालिश कीजिए। अच्छा। हम ये कहेंगे कि आप उनको बात कीजिए प्यार से कि आप जेनेरिक नाम भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखिए, और यदि वो फिर भी आपके बात नहीं सुन रहा है तब आप जरूर कहिए जो हेल्पलाइन है कि आपने फलाना मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गए, उनको आप रिक्वेस्ट भी किए लेकिन आपका रिक्वेस्ट वो नहीं माने, क्योंकि अब आज के दिन में कोई कानून नहीं है, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी निकाले हैं। जी, उन्होंने एक एडवाइजरी निकाले हैं, हर मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनके पास लाइसेंस है उनको कहा गया है कि आप प्लीज जेनेरिक नाम भी लिखा कीजिए। बिल्कुल। लेकिन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव चाहूंगा, राजीव जी, आपने तो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम किया है और इंडस्ट्री जो भी आएगी फार्मा सेक्टर में वो मुनाफा भी कमाना चाहेगी, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन से इंडस्ट्री को कोई परहेज तो नहीं? परहेज कैसे हो सकता है? इंडिया इज फार्मेसी टू द वर्ल्ड। यस, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। वेरी नाइस।
अमेरिका में आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट डोमेस्टिक बिजनेस से ज्यादा है, पहली बात तो ये है। अमेरिका में 80% बाई वॉल्यूम 80% प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जेनेरिक है, और 20% पूरी दुनिया की जेनेरिक दवाइयां इंडिया से जाती हैं। और उसके बाद जब शर्मा जी ने बता ही दिया कि दवाइयां जो जेनेरिक भी हैं, जो ब्रांडेड भी हैं, जब वो सेफ हैं, तो परहेज कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, तो परहेज नहीं है और हमें आना होगा। मैं प्रोफेसर साहू से पूछना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब आप तो पढ़ाते हैं डिप्सार में, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो थोड़ा बताइए भविष्य में कितना स्कोप है यदि कोई युवा जो कार्यक्रम देख रहा है और फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहे तो? देखिए ये जो स्वास्थ्य का विषय है, पहले जमाने में ये जो स्वास्थ्य था उस सारे को स्टार्टिंग फ्रॉम चाराकर्ण सुश्रुत, ये वही आदमी दवाई बनाता था, वही आदमी चिकित्सा कर रहा था। धीरे धीरे ये सब अलग हो गया, डिस्टिंक्ट फील्ड आ गया, कोई आदमी को रोल दिया गया कि ही विल मैन्युफैक्चर द मेडिसिन, देन कोई आदमी को रोल दिया गया कि ही विल ट्रीट द डिजीज लाइक डॉक्टर्स, और ये फार्मेसी प्रोफेशन जो है धीरे धीरे बढ़ते गया। इंडिया में भी उसी तरह का बहुत सारे संस्थाएं आ गया, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, इसी तरह का हमारा फार्मेसी फील्ड में भी, रिसर्च फील्ड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर, वो भी आ गया, और एवरी थर्ड टैबलेट इन द वर्ल्ड इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो इंडिया का जो फार्मेसी फील्ड में जो अवदान है सारा विश्व को, वो बहुत डिस्टिंक्ट है। तो आप कह रहे हैं ब्राइट करियर अपॉर्चुनिटीज है। हाँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2 साल का डिप्लोमा कर लूं या फिर मैं मान लीजिए 4 साल का कोर्स करूं, तो मीनाक्षी जी आप क्या राय देंगी युवाओं को? मेरी राय में कम से कम 4 साल का करना चाहिए, क्योंकि आजकल PCI ने भी 4 साल के डिग्री के लिए कहा है, और इसमें आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं फार्मेसी फील्ड में, और इसको आगे और बढ़ाना चाहिए। हमारी दिल्ली सरकार ने एक फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी भी इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी है जो खोला है। ओके। तो इसमें जैसे फार्मास्यूटिक्स हुआ सिलेबस में, और क्या क्या होता है सिलेबस में? इसमें फार्माकोलॉजी भी है, जो कि दवाइयों का इंसान के शरीर के ऊपर क्या असर है उसका देखती है। फार्माकोग्नोसी है, जिसमें कि हर्बल क्या ड्रग्स हैं, उनका क्या असर है, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है, जिसमें कि सिंथेसिस किया जाता है एक ड्रग, अगर हमारे वो नेचुरल भी अवेलेबल है तो उसको भी हम सिंथेसाइज करते हैं। जी, दो शब्द जो आपने मीनाक्षी जी यूज़ किए, हर्बल और नेचुरल। और मैं आऊँगा अनंत कुमार जी, आप अनंत नारायण जी आपके पास, कई बार सेफ्टी के नाम पर आपको लगता है कि लोग हर्बल और नेचुरल शब्द यूज़ करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? जो हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा हुआ है दवाई के बारे में, इसके पीछे हजारों साल का हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज़ नॉलेज है। जी, जो दवाई उन ग्रंथों में लिखा हुआ उसको लेने से, जिस तरीके से ग्रंथों में बना हुआ बनाने को कहा हुआ विधि उसी हिसाब से बना हो तो सेफ्टी प्रोफाइल अच्छी होती है, उसको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कंज्यूमर्स जो है कन्विंस्ड है कि यदि मैं नेचुरल लेता हूँ तो कंपेयर टू सिंथेटिक ड्रग्स काफी सेफ होता है। जी, और अगर कई बार लोग कहते हैं जी मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ, क्या मैं साथ में आयुष पद्धति की भी दवा ले सकता हूँ? जरूर ले सकते हैं, मगर वैज्ञानिक आधार बहुत कम है, इसमें बहुत सारे अनुसंधान नहीं हुए हैं आयुष में, आयुष और एलोपैथी दवाई को साथ में लेने से। इसीलिए एज ए फार्मासिस्ट हमारा सलाह है, सब उपभोक्ता सुने इसको, कि इस तरीके से 2 पद्धति की दवाई जब खाने की पड़ेगी आपको, कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप दे। अच्छा। ताकि एक का असर दूसरे के ऊपर बुरी या अच्छी हो ना हो और आपको कोई दुष्परिणाम ना हो। जी बिल्कुल, और डिप्सार की हम बात कर रहे थे, तो डिप्सार दिल्ली इंस्टीट्यूट है उसमें आर रिसर्च है, तो आने वाले समय की अगर बात करें, चलते चलते हमारे पास सिर्फ 4 मिनट शेष बचे हैं, तो दिल्ली फार्मास्यूटिकल ट्रस्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आप रिसर्च पे जोर देते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन पे, क्या मैंडेट है इस ट्रस्ट का? देखिए ये कंज्यूमर एजुकेशन तो एक मुद्दा है हमारा, कि कंज्यूमर को मैक्सिमम हम एजुकेट करें ऑन दवाइयों का। फिर है हम स्टूडेंट्स को भी हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, पहले जैसे प्रोफेसर साहू बता रहे थे, अभी कहाँ तक पहुँच गई है, हम स्लो रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, हम ड्रग टारगेटिंग पे तक पहुँच गए हैं, कि कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे ड्रग टारगेटिंग से किया जाए, कि प्रोडक्ट्स ड्रग्स बिल्कुल कैंसर सेल्स पे अटैक करें। तो हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन की तरफ और जाए
फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो. जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के पास आना चाहूंगा. चलते चलते सोल्यूशन, और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं फार्मेसी में ताकि हम सबकी सेहत ठीक रहे. जी बींग ए कंज्यूमर, मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जब वो किसी फार्मासिस्ट शॉप पे जाए तो फार्मासिस्ट के डिटेल्स को जरूर चेक कर लें. मैक्सिमम टाइम में ये होता है कि वहाँ नहीं होती है. जी और तो अब आप करेंगे, हम सब जो यहाँ पर हैं. जी सॉल्यूशन मैडम. जी माइक थोड़ा ऊपर करिए. सॉल्यूशन, आई हैव दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग जेनरिक ड्रग. जी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जेनरिक ड्रग्स में वो क्वालिटी है जो ब्रांडेड ड्रग्स में रहती है. जॉन जी. हाँ नहीं बिल्कुल है, इसीलिए जन औषधि ब्रांड बनाया गया. जन औषधि इसलिए बनाया गया सरकार की तरफ से क्योंकि लोगों में ये विश्वास पैदा हो कि आप यदि जन औषधि दवाई ले रहे हैं तो उसका गुणवत्ता वही उतना ही है, इनफैक्ट कभी कभी बेटर भी है ब्रांडेड मेडिसिन से. तो ये बहुत जरूरी है समझना कि आप जरूर जब जेनेरिक दवाई ले रहे हैं आप जन औषधि पे ज्यादा ध्यान दीजिए. जी जी सोल्यूशन सर. मैं एक सवाल था मेरा. जी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के दौरान कुछ ड्रग्स जो एडवर्स रिएक्शन ड्रग रिएक्शन होता है उसमें, तो मैं ये जानना था कोई ड्रग है ऐसा मेडिसिन है जो अभी रिकॉल हुआ है जिसका. जी क्या राजीव जी रिकॉल भी हो जाता है फिर? बहुत सारी दवाइयां दुनिया में हैं रिकॉल होती हैं. मुझे याद आ रहा है दवा थी टर्फेनाडीन करके दवा थी जी. वो एंटी एलर्जिक दवाई थी जी. बहुत सक्सेसफुल हुई जी. लेकिन दवा के बाद पाया गया कि उसका असर हार्ट पे होता है जी. तो वो दवा ही विड्रॉ कर नहीं, इनफैक्ट हम आपको बता दें आपके दर्शकों को, आप जब फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन में कॉल करते जी, हैं जी, जी. और जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है जी. जब पाया जाता कि कुछ ऐसा कुछ तत्व है जिससे अलर्टनेस आता है, वो लोग तुरंत SMS भेजते हैं लोगों को और लोगों को अज्ञात कराते हैं कि आप इस ब्रांड को अभी फिलहाल मत लीजिए. बिल्कुल सही, और इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए यदि आप बताना चाहें बतौर एक सजग उपभोक्ता 1800-180-3024. डॉक्टर प्रेम, मैं आपसे जानना चाहूंगा ड्रग्स एंड कंट्रोल एक्ट में ड्रग्स की परिभाषा में क्या अब मेडिकल डिवाइसेज भी हैं, क्योंकि सिर्फ दवा ही नहीं, आई ड्रॉप्स ही नहीं, अब हम स्टैंड और मेडिकल डिवाइसेज की बात भी सुनते हैं. बहुत अच्छा सवाल है. मेडिकल डिवाइसेज वॉज ए पार्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, बट इट वॉज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट वॉज नॉट बींग कंट्रोल्ड. बहुत सी दवाइयाँ मेडिकल डिवाइसेज आते थे जिस पर कोई चेक नहीं होता था. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बनाया है, उसका अभी फाइनल नहीं हुआ, ड्राफ्ट स्टेज में है. तो एक्ट को अमेंड करना तो बड़ा मुश्किल है, आपको मालूम ही है. तो उम्मीद यही है कि जल्दी वो हो जाएगा. मेडिकल डिवाइसेज हैव बीन नोटिफाइड, 16 मेडिकल डिवाइसेज हैव बीन नोटिफाइड अंडर द एक्ट. तो उनकी क्वालिटी और ये सारा जो है इम्पोर्ट कैसे करना, कहाँ करना, अपने देश में भी मैन्युफैक्चर हो रही है वो. जी चलते चलते फाइनल वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा यही व्यू है कि जब एक पेशेंट फार्मासिस्ट के पास जाता है उसको एक जनरल चेक रखना चाहिए. अगर कोई डाउट है जो डॉक्टर से वो क्लैरिफाई नहीं कर पाया है कि मेडिसिन कैसे लेनी है, तो उसको हर एक चीज क्लैरिफाई करनी चाहिए. जी सर चलते चलते क्या कहेंगे? Sir, I feel that the pharmacists are well equipped now in India to handle everything, Ram. Yes. In fact, हम भी वही कहना चाह रहे थे कि आज हम लोग का प्रयास ये हो रहा है, हम लोग का प्रयास ये हो रहा है कि कोई भी रोगी फार्मासिस्ट के पास जाएं और फार्मासिस्ट को ऑफिशियली एक पावर मिले प्रेस्क्राइब भी करने के लिए कोई दवाई पे, ताकि फार्मासिस्ट भी वो रोल प्ले करे जहां पर वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो फार्मासिस्ट तक पहुंच के उस दवाई का ऑफिशियली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत उनको वो प्राप्त कर सके. बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे आपने बातें बताई हैं. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का है, तो कानूनी बात तो है ही, लेकिन ये बात हमारी सेहत से जुड़ती है तो इसके सामाजिक पहलुओं को समझना होगा. हम सभी को बतौर कंज्यूमर जागृत होना होगा. बहुत से हाथ उठ रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, अपनी बात रखने के लिए. ये इस बात को दर्शाता है कि हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छी सेहत में रहें. और आज कंज्यूमर एजुकेशन और फार्मेसी पर चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.